सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे आई होप। और आज हो गई हमारी 19 अप्रैल 2023। जी हाँ, 19 अप्रैल 2023। और हम सब लोगों को खुशखबरी पे खुशखबरी जो है मिलती चली जा रही है, और अब हम सब लोगों को ज्यादा वेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हमारे जो बैक ऑफिस के अंदर जो एक हमें पॉपअप मेनू जो दिखाई दे रहा है, उसके अंदर हमारी जो सबसे बेहतरीन जो चीज मुझे लगी, वो क्या थी? वो थी कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो लॉन्चिंग पैड पर जो है कल जा चुका है। जी हाँ, लॉन्चिंग पैड पर जो है कल जा चुका है। और इस लॉन्चिंग पैड पर जाने का मतलब यही है कि कोई भी चीज हमारी लॉन्चिंग होने के लिए रेडी हो रही है, यानी कि कुछ चीजें उस पर चेक की जानी बाकी रह गई हैं। यानी कि पहली चीज तो ये होती है कि वो चीज बन के तैयार हो रही होती है, उस पर कोडिंग चल रही होती है, उसको हर तरह से टेस्ट किया जा रहा होता है। और जब वो हर तरह से टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद फाइनली एक ही चीज बचती है, वो होती है कि अब उसको लॉन्च करने के लिए बस आगे बढ़ा दिया जाए। तो हम सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है। मैं इसको बार बार रिपीट क्यों करता हूं? बिकॉज मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कि पता नहीं कैसा होगा हमारा नया इकोसिस्टम, पता नहीं उसमें कौन कौन से हमारे नए फीचर्स होंगे जो शायद हमको पहली बार देखने को मिलने वाले हैं, पता नहीं हमारा कैसा उसका कलर होगा, कैसी उसकी थीम होगी, कैसी उसकी डिजाइन होगी। क्योंकि जिस टाइप का हमारा जो इकोसिस्टम इस समय दिखाई दे रहा है, ये उससे बिल्कुल हटके होने वाला है। क्योंकि इस टाइप की जो हमारे इकोसिस्टम की जो डिजाइन है, जो इसका पूरा का पूरा जो एक थीम है, उससे कहीं ज्यादा बेटर होने वाला है। और दूसरी चीज, यहाँ पे अब जो हमारा इकोसिस्टम आ रहा है वो इकोसिस्टम हमारे लिए तो होगा ही होगा, प्लस इसके साथ साथ जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे रीसेलर हैं, उन सभी के लिए भी हमारा ये इकोसिस्टम होने वाला है। तो हम सब लोगों को बहुत ही ज्यादा जल्दी है, हम हमेशा ये सोचते हैं, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि हमसे ज्यादा कंपनी को जल्दी है। क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से अपनी मार्केटिंग कर रही है, जिस हिसाब से इतना पैसा खर्च कर रही है, तो ये पैसा अगर ये लगातार खर्च होता ही रहेगा तो फिर आएगा कहां से? तो यहां पर एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, हम सब लोगों को ये ध्यान देने वाली बात होती है कि आखिर अगर हम बिजनेस शुरू नहीं करेंगे, अगर कंपनी अपना बिजनेस शुरू नहीं करेगी, तो फिर ये कंपनी वापस अपना रेवेन्यू लाएगी कहां से? हर किसी इंसान के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर वो उसका कमाने का जरिया पूरी तरीके से अगर बंद है, उसका कमाने का जरिया या फिर उसका अर्न करने का जरिया जहां से सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो पूरी तरीके से बंद है, तो एक ना एक दिन तो पैसा खत्म हो ही जाएगा। कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो एस पुपारे सर हैं, लविंग सीईओ हैं, हम सब लोग जो है उनके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को दिया है। लेकिन हम सब लोगों के माइंड में वो एक कीड़ा जो हमेशा भिनभिनाता रहता है नेगेटिविटी का, कि ऐसे हम पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई सालों से सुनते आ रहे हैं, वो कीड़ा हमेशा बिलबिलाता रहता है। उस कीड़े को जो बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि जितना आप नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा हमारे एस सर इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कब किस चीज को हमें लॉन्च करना है। तो हमारा जो न्यू इकोसिस्टम है वो एक न्यू लुक में, यानी कि हमारे लॉन्चिंग पैड पर जो है जा चुका है। और लॉन्चिंग पैड पर जाने का मतलब यही है कि उसकी, जैसे हम एक मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं, शायद मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक दो मोबाइल है आपके पास दो मोबाइल फोन है, और इस मोबाइल फोन में आपका कुछ डाटा है, जैसे मान लीजिए कोई मूवी है ना, कोई मूवी है 500 MB की या 700 MB की या 1 GB की। तो आपने क्या किया कि शेयर रेट से या किसी भी दूसरे ट्रांसफर वाले और एप्लीकेशन से आपने इसको इसमें कॉपी करना शुरू कर दिया, यानी कि यहां पर ले जाया जा रहा है आपको, ठीक है, यानी कि एक जगह से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पे लॉन्चिंग पैड पर जाने का मतलब यही है कि हमारा जो डाटा है इकोसिस्टम में जो जा रहा है, हमारा जो नया इकोसिस्टम आने वाला है, वो अब धीरे धीरे करके हमारा जा रहा है, और वही चीज हमारे सामने एक ही बार में जो है हम सब लोगों के सामने आने वाली है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे गोइंग टू द लॉन्चिंग पैड, जी हाँ, हमारा जो इकोसिस्टम है गोइंग टू द लॉन्चिंग पैड, एक लॉन्चिंग पैड होता है,
उस पैड पर धीरे धीरे करके हमारा जो है नया इको सिस्टम है वो जा रहा है। और एक बार वंस द चेकलिस्ट इज क्लियर एंड ऑल गिव्स अ गो ग्रीन लाइट, तो यहाँ पे एक बार उसको सही तरीके से चेक कर लिया जाएगा। एक बार उसको सही तरीके से चेकलिस्ट का मतलब यही है कि एक बार उसको सही ढंग से चेकलिस्ट जो है कर लिया जाए, और इस बार जैसे उसको सही तरीके से चेक कर लिया जाएगा फिर उसको एक ग्रीन बटन दबाने की हमारी देरी रह जाती है। जी हाँ, ग्रीन बटन दबाने की देरी रह जाती है, और जैसे ही ग्रीन बटन दबेगा वैसे ही हमारे इस सर्वर पर जो है हमारा इकोसिस्टम आ जाएगा और हमारे इस वेबसाइट पर हम एक नया इकोसिस्टम देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम सब लोगों का इंतजार बहुत ही जल्दी जो है, हो सकता है मे बी 2-4-6 दिन के अंदर अंदर जो है नया इकोसिस्टम जो आ रहा है उसमें हमारा 2-4-6 दिन के अंदर अंदर हमारा इंतजार खत्म हो जाए। तो आपको खुशी मनाने का और जश्न मनाने का दिन आ रहा है, आपको खुशी मनाना है, जश्न मनाना है। और जिस तरीके से हमारा पहली बार जो इकोसिस्टम आया था तो हम कितने ज्यादा खुश हो रहे थे, फिर हमारा ओ कनेक्ट आया था, फिर हमारा ओ कनेक्ट पहली बार जब हम इस वेबिनार में अटेंड हुए थे तो हम कितने ज्यादा खुश हो रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हमारे जो फाउंडर्स हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ये उससे भी ज्यादा और कई गुना ज्यादा खुश होने वाले हैं। बिकॉज न्यू इकोसिस्टम के साथ साथ कुछ और भी आ रहा है। जी हाँ, केवल न्यू इकोसिस्टम ही नहीं आ रहा है बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारी आ रही हैं, वो हमें पता चल जाएंगी हमारे बैक ऑफिस के अंदर और हमारे न्यू इकोसिस्टम के अंदर कि उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें आ रही हैं। सो बैक ऑफिस पर नजर बना के रखिए, इकोसिस्टम को जैसी आए आप उसे ऑन करके देखिए और एक एक शब्द को सही तरीके से चेक करना, उसको सही तरीके से सीखना ये बहुत बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, क्योंकि जो आप सीखेंगे नहीं तब तक आप उस इकोसिस्टम को आप ठीक तरीके से चला भी नहीं पाएंगे। तो हमें हर चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही दुनिया का सबसे कठिन काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमारे बैक ऑफिस के अंदर जो नई अपडेट आई है उसको आप फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए और 10 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बार बार पढ़ने से जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और 22 अप्रैल को जो हमारा मैनचेस्टर के अंदर यूनाइटेड किंगडम में जो हमारा हो रहा है एक पूरा का पूरा रेड सर के द्वारा सेमिनार, उसको भी हम बहुत ही जल्दी अटेंड करेंगे अगर वो पब्लिकली होता है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट।